Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड की एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही क्विक सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी. तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 लीटर दूध. उसमें से मैंने 1 कप को निकाल के फ्रिज में रख दिया है और बाकी को हमने बॉयल होने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया है. जैसे ही हमारा दूध बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट 1/2 कप इज़ इनफ. उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में, और जो साइड पे बलाई है उसको भी हम साथ साथ इसमें मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो बहुत ही क्रीमी बने. अब हम इस दूध को पकने देंगे और तब तक आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे. हमने जो लेफ्ट ओवर दूध बचा कर रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून ऐसे भर भर के कस्टर्ड पाउडर. मैं यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, जो आपको पसंद हो आप वो कस्टर्ड यूज़ करें. इसको बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर ले दूध के अंदर, एंड मेक श्योर करना कि आपका दूध ठंडा ही होना चाहिए. गर्म दूध में कभी भी कस्टर्ड आपने मिक्स नहीं करना. ठंडे दूध के अंदर हम इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे. इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ. 1 लीटर के लिए 3 टेबल स्पून हमारे पास बेस्ट रेशियो होती है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे. अब जो हमारा दूध बॉयल हो रहा था उसके अंदर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसमें हम साथ साथ कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे. अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो आपका जो कस्टर्ड है वो नीचे लम्प्स बन जाएंगे और सारा ख़राब हो जाएगा. तो आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि कस्टर्ड ऐड करते हुए आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है. और यहीं पर हम साथ ही अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा थिक नहीं करना कस्टर्ड. जो फ्रूट्स वाला कस्टर्ड होता है वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होता है. अब इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म भी नहीं होना चाहिए. जब हमारा कस्टर्ड कम्प्लीटली ठंडा होगा तभी हमने इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करने हैं, अदरवाइज़ आपका जो कस्टर्ड है वो पानी छोड़ देगा. अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये ठंडा होकर थोड़ा मज़ीद थिक हो गया है, हमें ऐसा ही चाहिए था. अब इसके अंदर हम अपने फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अनार, अंगूर और केला. आप चाहें तो अपनी चॉइस के कोई फ्रूट मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एप्पल्स ऐड कर सकते हैं, कीवी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है. जो मेरे पास अवेलेबल फ्रूट्स हैं मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे. बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी सा आपका एक डेज़र्ट रेडी हो गया है. ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था, सबको बहुत पसंद आया था, तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है. और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा. अब आ जाती है इसको सर्व करने की बारी, तो हम इसको अपने बोल में निकाल लेंगे. एंड आई सजेस्ट कि आप इसको सर्व करने से पहले लाजमी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि इसका टेस्ट और भी बेटर हो जाए. अब इसको गार्निश कैसे करना है वो आपकी अपनी चॉइस है. जो जो अवेलेबल चीज़ें हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं. मैं आपके साथ 2-3 कस्टर्ड मज़ीद शेयर कर रही हूँ. आप इसको कॉकटेल के साथ गार्निश कर सकते हैं, क्रीम के साथ गार्निश कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं, जेली के साथ गार्निश कर सकते हैं. जैसे आपको पसंद हो आप वैसे गार्निश कर सकते हैं. मैंने 2-3 आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं. See you guys soon with a new video. Till the time, Allah Hafiz.